लवली चौबे के घर पर, रूपा रानी तिर्की के घर पर। तो हमने आपको पहले लवली चौबे के परिजनों से मुलाकात करवा दी, अब आपको रूपा रानी तिर्की के परिजनों से मुलाकात करवाते हैं कि वहां पर इस जीत के बाद, इस शानदार जीत के बाद से क्या महसूस कर रहा परिवार या उनके पड़ोसी। रुक करते हमारे सहयोगी अंजनी का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अंजनी, लवली चौबे क्या, तो देखा हमने कि किस तरीके से माँ बाप ने भी आगे बढ़ाया, फिर पति ने पूरा साथ दिया। रूपा रानी तिर्की की कहानी क्या है, कैसे वो इस खेल में आगे बढ़ी, कैसे साथ मिला उनको परिवार का? देखिए, इस वक्त हम रूपा रानी तिर्की के घर पे हैं और उनकी माता हैं, अब बहन है, और जो ये अब इनके जो पिता है वो इस दुनिया में नहीं है, वो पुलिस सेवा में कार्यरत थे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे परिवार का एक जुटता हौसला आज जो है रूपा रानी तिर्की को गोल्ड मेडल लेने के लिए मतलब मजबूर किया, मेहनत करने के लिए एक दिशा दिखाई। और इसमें हम कह सकते हैं कि उनकी जो माता है अमिता तिर्की, वो यहाँ मौजूद है। और घरों में देखेंगे, थोड़ी पहले हम ये तस्वीर दिखाते, ये तमाम जो मेडल्स हैं वो रूपा रानी तिर्की ने जीते हैं, और ये यही मेडल है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। नेशनल गेम हो, नेशनल में अलग अलग जगहों में जो मेडल उन्होंने जीते हैं, देखिए नेशनल गेम्स में भी उन्होंने पदक हासिल किया है। तो ये तमाम जो आप देख सकते हैं जो मेडल है, शील्ड है, ये बताता है कि कितनी मेहनत की होगी। लेकिन जब गोल्ड मेडल जीतना कॉमनवेल्थ गेम में एक बड़ी बात होती है, हमारे साथ उनकी माँ अमिता तिर्की हैं। माँ, सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू। चलिए, हाँ, गोल्ड मेडल बेटी ने जीता है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है, आप क्या कहेंगी? ऐसा क्या लगता है? खुशी लगता है। बातचीत हुई? बातचीत नहीं हुई है। यहाँ से जब वो जा रही थी तब क्या बातचीत हुई थी? यहाँ से जा रहे थे उसमें तो बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक दो दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे खेलना है, इसलिए दुआ करना बोल करके बोली, ईश्वर से प्रार्थना करना बोल करके। और फिर ये जब ये खबर मिली कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, तो क्या परिवार के लोग, मोहल्ले के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही थी? बहुत खुशी हुए सब पे कि वाह, इंडिया के लिए एक मेडल लेकर क्या है, गोल्ड मेडल। अच्छा, ये बताइए, वो मतलब खेल में बचपन से ही खेल की ओर झुकाव था या क्या था? बचपन से ही उसका झुकाव था खेल के प्रति। तो देखिए, पीछे एक आप देख सकते हैं झारखंड सरकार का एक क्या बोलेंगे इसे, ये जिला खेल पदाधिकारी भी है, तो राज्य सरकार के तरफ से ये प्रशस्ति पत्र है। और उस हमारे साथ उनकी बहन है, जो अपनी बहन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देना चाहती है। तो हम उनकी बहन से भी बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम राणा रानी तिर्की है, मैं रूपा रानी तिर्की की छोटी बहन हूँ। अच्छा, ये बताइए, बहन के बारे में बताइए, कहाँ से स्कूलिंग की और कौन कौन डिग्री हासिल की और फिर खेल में कैसे आगे बढ़ी? स्कूलिंग उसकी 10th तक संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय पुरुलिया रोड से हुई। उसके बाद उन्होंने साइंस लेकर के यहाँ गौसना कॉलेज से इंटर किया, ग्रेजुएशन उन्होंने यहीं से किया है, गौसना कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में। उसके बाद उन्होंने बीपीएड किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, जहाँ पे वो टॉपर थी। उसके बाद फिर उन्होंने एमपीएड किया नागपुर यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे भी वो टॉपर थी। और जैसे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो जेपीएससी का जो निकला था डीएसओ का, उसमें भी उन्होंने टॉप किया था। ये खेल को लेकर वो कितना मुस्तैद रहती थी, उनका क्या शेड्यूल होता था? खेल तो बचपन से ही खेलती थी, जब स्कूल में थी तब वो कबड्डी खेलती थी, और फिर 2007 में लॉन बॉल रांची में आया, फिर वो गई वहाँ ट्रायल दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद प्रैक्टिस तो अपने तरफ से पूरा किया उन्होंने, वो करती थी जो भी उसके लिए बनता था। जैसे अभी भी कैंप फरवरी से था, तो वो फरवरी से दिल्ली में ही थी अभी तक। और ये मेडल जीतने के बाद बातचीत हो पाई? मेडल जीतने के बाद
साथ बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि कल मेडल जीतने के बाद उनका नया इवेंट स्टार्ट हो गया ट्रिपल्स का, तो कल रात में उन्होंने फिर से मैच खेला है और न्यूजीलैंड के साथ में था जिन्होंने, जिसमें वे जीते हैं और फिर आज फिर से है इंग्लैंड के साथ आज है, तो आज तो बातचीत नहीं हो पाई है कल से आज तक। ये खेल के अलावा और हॉबी क्या क्या उनकी रही? हॉबी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो डांस में भी अच्छी है, पढ़ाई में तो अच्छी है ही, डांसिंग भी उनकी एक हॉबी है और बहुत सारे सोशल वर्क तो वो ऐसे ही करती रहती है और घर के मतलब कुकिंग सब सारी चीज में वो अच्छी है। तो ये देखिए पंकज, ये परिवार के जो बहन है, माँ है और जो उनका जो इतिहास रहा है, पढ़ाई में भी अव्वल रही है, आप सोचिए कि नागपुर में और अन्य जगहों से जहां उन्होंने फिजिकल कोर्स की पढ़ाई की उसमें भी अव्वल रही दिल्ली और नागपुर में, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे रही है और जो सोशल वर्क होता है उसमें भी इनकी एक अलग पहचान है, तो ऐसे समय में परिवार का तमाम एक सवाल ये भी, एक सवाल ये भी मेरा जनी कि देखिए साल 2010 में पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस इवेंट में हिस्सा लिया था, उसके बावजूद ये लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ नहीं था कि मतलब पता नहीं था कि लॉन बॉल्स में कोई करियर बना सकता है या फिर लॉन बॉल्स को बहुत ज्यादा मीडिया में भी शायद तरजीह नहीं मिली क्योंकि प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं था, तो क्या इस दौरान लॉन बॉल्स के प्रति जो प्रेम था, लॉन बॉल्स के प्रति जो आकर्षण था, जो उसको लेकर जो क्रेज था, वो रूपारानी तिर्की में बना रहा था, उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा होगा या बीच में उन्होंने भी इस गेम से थोड़ा सा मुंह मोड़ने की भी सोची होगी? परिजनों से जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से बहन ने बताया कि 2007 से लोन बोल में वो हिस्सा लेते रही है और जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या नेशनल लेवल पे हो तो उस पर वो लगातार पदक जीतती रही। एक बार फिर बहन से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि लोन बोल में वो कैसे आई? लॉन बॉल में कैसे आई? मतलब कैसे खेलने इस गेम की और कैसे वो, जैसे 2007 में जब गेम्स यहाँ आया तो किन्हीं के थ्रू उनको पता चला कि गेम्स नया आया है, उसका ट्रायल चल रहा है और तो कहा गया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, तो फिर वो गई, ट्रायल दिया, उसका सिलेक्शन हुआ, फिर वो उसको गेम अच्छा लगने लगा तो फिर वो खेलने लगी वहाँ। तो ये देखिए हमारे साथ तो उनके दोस्त हैं, वो भी आई हैं, ये बताइए पहले अपना पूरा परिचय दे। मेरा नाम गोल्डन बिलुंग है और रूपा को हम बचपन से जानते हैं, जब छोटे थे तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे तब से इसको जानते हैं और साथ ही साथ रूपा की जो छोटी बहन है बड़ी बहन है दोनों ही दोस्त है। तो हमें रूपा के बारे में बताइए आज, क्योंकि एक उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो रूपा को बधाई कि बहुत अच्छा से वो खेली, कल उसका मैच देख रहे थे बैठ कर के आंटी और उनकी बहनों के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा से वो खेली और रूपा जो मेहनत की वो तो की, साथ ही साथ जो उनकी मम्मी और उनकी बहनों का सपोर्ट था और मार्गदर्शन था वो बहुत ज्यादा था। हमेशा कुछ भी चीजों में जो मम्मी है और उनकी बहन हमेशा उनको इनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी आगे बढ़ने के लिए। पंकज, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके रूपा रानी तिर्की के जो पिता हैं वो अब नहीं हैं, लेकिन परिवार में माँ है, बड़ी बहन है और छोटी बहन है, तो ये जो चार लोग हैं, चार लोगों का जो प्रेरणा है, जो फोर्सेस, जो पॉजिटिव जो फोर्सेस है वो लगातार काम करता रहा और माँ का समर्पण है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि माँ का जो आशीर्वाद है और पूर्वजों का जो आशीर्वाद है और खुद की जो कड़ी मेहनत लगन ने आज रांची को एक, हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम में रांची और झारखंड का एक अलग से नाम होगा, बिल्कुल नाम हो रहा है, एक अलग पहचान हो रही है। पहले धोनी के नाम से जाना जाता था, अब रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे के नाम से भी पूरे झारखंड और रांची की एक अलग पहचान स्पोर्ट्स में होगी। पंकज बहुत शुक्रिया, अंजनी हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और बताई किस तरीके से रूपा रानी तिर्की का इस खेल का सफर शुरू हुआ था और कैसे उनके परिवार में जो यानी कि उनकी माँ है, बहन है, सबका साथ उन्हें खूब मिला और वो आज इस मुकाम तक पहुंची है कि अपना घर का नाम, अपने परिजनों का नाम और अपने समाज का, झारखंड सबका नाम रोशन कर चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।